दिए मेरे पापा, देखो अपना व्रत खोलने जा रहे हैं। सुबह से पापा ने भूखे प्यासे रह के मम्मी के लिए व्रत रखा है लंबी आयु के लिए, और मम्मी ने भी व्रत रखा है। चलो बाबा, तूने किसके लिए व्रत रखा है, तू क्यों खोलने जा रहा है? अपनी मम्मी के लिए, अपनी बाबा के लिए, अपनी बुआ के लिए, अपनी बुआ के लिए, और के लिए, पापा के लिए भी, और अच्छी बुआ के लिए भी, और अपने लिए भी, और आने वाली बहू के लिए भी, और आने वाली भाई के लिए भी। क्या रहा है? अच्छा पापा कैसे? गाइस मम्मी को घूमती से तो दिखाई दे रहा है, वो वाला चांद नहीं दिखा है, ले चलो क्या चांद को देखो हाथ में जोड़ो। ये मम्मी का चांद मम्मी के सामने खड़ा, और मम्मी पता नहीं कौन सा चांद ढूंढ रही है। मम्मी कौन सा चांद ढूंढ रही है? मम्मी आपको एक बात बताऊं, अभी पापा 15 मिनट लगा के आए ना, ये पापा अपनी पहली मैडम का खोल के आए व्रत। चांद निकलने के बाद ही तो पापा गए थे। ये हमारे तेरे बीच में ही चली क्यों है? 364 दिन मैं पूजा करता हूँ, आज 365वां दिन ऐसा है कि जो आज मेरे सामने है, आरती की थारी। चलो अभी नीचे दूसरी भी पूजा होगी। इसे देखो टूटी हुई खाट पे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? गाड़ी चला रहा है। मम्मी क्या गे, मम्मी क्या गे? पापा इधर मम्मी के सामने जोड़ो। मैं तो हाथ जोड़ने कहीं जोड़वा लो, डर के मारा भैया हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। जय हो लक्ष्मी देवी की, जय दुर्गा मैया की। घर में नौ देवी नानी हो तो घरवाली ले आओ, एक खुशी में सारी नौ देवी आ। हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी। गाड़ी बीच में सटाओ, एकदम जो कह रही थी ना वही हो गया ना। घूंघट तो मारा ही नहीं है। मम्मी घूंघट मार लो एक बारी, घूंघट में कर दो जो तुम्हारी इच्छा। क्या मतलब मैं तो चांद यहां देखा भैया, खिलाया इनको मैंने, तुमसे ज्यादा तो मैंने रखा है। ओ अरे यार घोड़ा ले लो, घोड़े पे बैठो कोई, सदा स्वागत है, जल्दी शादी हो जाए। ए